राजधानी चंडीगढ़ में नेशनल युवा सहकारी सोसाइटी लिमिटेड के चेयरमैन राजेश पांडे और जन निधि के मुख्य महाप्रबंधक रामचंद कुलकर्णी सोमवार को चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचे। चंडीगढ़ पहुंचते ही उन्होंने मीडिया से पंजाब में किए जा रहे विस्तार को लेकर जानकारी साझा की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हमारा मकसद NYCS के जरिए युवा को सशक्त बनाना और सहकारी प्रयासों के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि NYCS ने कई जिलों में नेटवर्क बनाकर उत्प्रेरकों को प्रोत्साहित करने और विभिन्न पहलुओं के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। चंडीगढ़ से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। है ना, ये ऐसे कुछ ऐसे छोटे बिजनेस करेंगे, इनको मार्केट देने का भी हमारा आगे है, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क है। हम किसी एक चीज को यदि तय कर लेंगे, अभी 6-7 साल पहले भारत सरकार के सामने बायो फ्यूल पे एक प्रोग्राम किया, पूरे देश में किया। हमारा नेटवर्क है, हम यदि तय करेंगे कि अगले एक महीने में 600 डिस्ट्रिक्ट में इस विषय को ले जाना है तो उसको ले जा सकते हैं। तो ऐसा भी आगे हम कोशिश करेंगे, एक प्लेटफॉर्म के नाते ये खड़ा हो। नंबर में तो एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा लगभग, लेकिन हमने आज तक 500 करोड़ से ज़्यादा का माइक्रो फाइनेंस युवाओं के लिए किया है। और एजुकेशन में कहा जाए तो हम स्किल डेवलपमेंट में लगभग 50,000 से ज़्यादा युवाओं को हमने स्किल में प्रशिक्षित किया है। कश्मीर से लेके तो महाराष्ट्र तक 50,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने स्किल में प्रशिक्षित किया है। हमने स्पोर्ट्स में भी काम किया है, टैलेंट हंट को लेके, वो पूरे देश में किया है। वैसे